हेलो एवरीवन, आज हम सुपर कनेक्टर स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम जो है 3 4 वीडियो में कवर कर पाएं। सारा सुपर कनेक्टर तो शायद नहीं हो पाएगा अभी जल्दी में। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे करेंगे व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स, डिस्क्राइब मेसनर इफेक्ट इन सुपर कंडक्टर्स और शो द सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक। तो ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स, तो उसको समझने के लिए हम ये डायग्राम बना रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में है। हम जानते हैं कि जब हम नॉर्मल मेटल्स या कंडक्टर्स को टेम्परेचर उनका इंक्रीज करते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है और कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो हम इसको उल्टा कैसे बोल सकते हैं, रिवर्स में कैसे बोल सकते हैं कि जब हम मेटल्स या कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है मतलब कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो नॉर्मल मटेरियल में नॉर्मली क्या होता है, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है और ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे 0 केल्विन लिखा हुआ है। ठीक है, 0 केल्विन की तरफ हम जब टेम्परेचर को लेके गए उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई बट 0 नहीं हुई रेजिस्टिविटी। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनका टेम्परेचर भी इनको भी टेम्परेचर डिक्रीज करने पे इनकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होती है। जैसे जैसे हम इसको 0 केल्विन के पास ले जाते हैं बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इनकी रेजिस्टिविटी सडनली ड्रॉप डाउन टू 0 हो जाती है। जिस टेम्परेचर पे इनकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर, टीसी। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स को हमने टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उनकी उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनकी रेजिस्टिविटी 0 हो गई। इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये फिनोमिना कहलाता है सुपर कंडक्टिविटी और जो मटेरियल ऐसे फिनोमिना को शो करते हैं वो कहलाते हैं सुपर कंडक्टर्स। हर एक सुपर कंडक्टर का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। एग्जाम्पल है मरकरी के लिए 4.1 केल्विन उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है और सारे मटेरियल सुपर कंडक्टर्स नहीं हो सकते इवन एट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे भी सारे मटेरियल सुपर कंडक्टर्स नहीं हो सकते, सारे कंडक्टर सुपर कंडक्टर्स नहीं हो सकते बट सुपर कंडक्टर्स कंडक्टर्स हो सकते हैं। और कंडक्टर्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, ये जो सारे कंडक्टर्स हैं ये सुपर कंडक्टर्स नहीं हैं इवन एट 0 केल्विन और एब्सोल्यूट 0। एक बार डेफिनेशन समझ लें और लिख लें इसको। द फिनोमिना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमलिन होम्स इन 1911। ही फाउंड दैट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम मेटल्स अलॉय कंपाउंड्स ड्रॉप सडनली टू 0 व्हेन दे कूल बिलो सर्टेन टेम्परेचर। दिस फिनोमिना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी एंड द मटेरियल दैट एग्जिबिट दिस बिहेवियर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। However, all materials cannot superconductor even at 0 Kelvin. The temperature at which normal materials turn into superconducting state is called critical temperature. तो जहाँ से normal material superconducting state में change हो रहा है उस temperature को हम transition temperature या critical temperature कहते हैं, जहाँ पे suddenly उसकी resistivity 0 हो जा रही है। Each superconducting material has its own critical temperature. Example for mercury. क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी इज 4.15 केल्विन। जनरली गुड कंडक्टर्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा डू नॉट शो सुपर कंडक्टिविटी इवन एट एब्सोल्यूट 0। प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर्स, तो इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, थर्मल प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टीज में चेंज आता है ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तो अभी हमने डिस्कस भी की है कि जैसे ट्रांजिशन टेम्परेचर आता है रेजिस्टिविटी 0 हो जा रही है। रेजिस्टिविटी 0 हो रही है मतलब कंडक्टिविटी बहुत हाई हो गई या कह लीजिए इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, तो मतलब एक बार हमने करंट फ्लो किया तो वोल्टेज हटा भी लेंगे तो
तो भी करंट फ्लो होता ही रहेगा क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, सुपर कंडक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। वंस द करंट इज स्टार्टेड टू फ्लो इट विल कंटिन्यू फॉर ईयर्स विदाउट एनी डिटेक्टेबल डीके आइडियली इवन इफ अप्लाइड वोल्टेज इज रिमूव। तो आइडियल अगर सुपर कंडक्टर है तो एक बार हमने उसमें करंट फ्लो कर दिया तो वो हमेशा करंट फ्लो होता ही रहेगा कई सालों तक, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, जीरो हो रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर्स की वो मैस्मर इफेक्ट है। तो जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था उसमें मैस्मर इफेक्ट लिखवाया, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो मैस्मर इफेक्ट क्या है, मैस्मर इफेक्ट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैस्मर इफेक्ट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ। ये डायग्राम जो है आगे जब हम लैंग्वेज लिखेंगे तो वहाँ पे शोन इन फिगर लिखा है तो वहां पर ये डायग्राम बनना है, लेकिन समझने के लिए हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेयर है जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है जो शो करता है ये प्रॉपर्टी। हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, सीधे सीधे ही लाइन बनानी है। ये थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है। दोबारा बनाती है। उसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम मैस्मर इफेक्ट भी बोलते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन है ये हमारा, व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नर इफेक्ट। तो मैग्नर इफेक्ट समझने के लिए पहले हम ये डायग्राम समझ लेते हैं। ये डायग्राम आगे लैंग्वेज में शोन इन फिगर करके लिखा है तो वहाँ पे आप बना लीजिएगा इसको। मैंने यहाँ पे दो स्पेयर बनाए हैं, वैसे एक ही स्पेयर है तो अलग अलग टेम्परेचर पे स्पेयर है। उस मटीरियल का स्पेयर लिया है जो सुपर कंडक्टर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है, और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या कर रही है उस स्पेयर को पास कर रही है। अगर इस सुपर कंडक्टर या इस नॉर्मल स्पेयर का जो टेम्परेचर है वो टीसी से ज्यादा है, इस मटेरियल के लिए जो इसका टीसी है क्रिटिकल टेम्परेचर, उससे ज्यादा इस स्पेयर का टेम्परेचर है, ठीक है। अब धीरे धीरे इस स्पेयर का टेम्परेचर हमने डिक्रीज करना स्टार्ट किया। तो जो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है जहां पर ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में पहुंच जाता है, यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, वहां पर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरीके से नहीं जाएंगी, बल्कि कैसे जाएंगी, तो मैजनर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम सुपर कंडक्टर्स को कूल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं एट ट्रांजिशन टेम्परेचर वो पुश आउट हो जाती हैं या सुपर कंडक्टर्स उनको रिपेल कर देता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज मैजनर इफेक्ट। जब तक टेम्परेचर उस सुपर कंडक्टर्स का ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा है वो लाइन ऑफ फोर्सेज, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज उसको पास कर रही है, लेकिन जैसे जैसे सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को पुश करना स्टार्ट कर देता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज मैस्नर इफेक्ट। तो मैस्नर और ओशन फील्ड फाउंड दैट इफ सुपर कंडक्टर इज कूल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर देन एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर द लाइन ऑफ इंडक्शन आर पुश्ड आउट। द रिपल्शन एक्सपल्शन of magnetic flux from the interior of the piece of superconducting material as the material undergoes the transition to the superconducting phase is known as Masner effect. In normal sphere at T is greater than TC and superconducting sphere T is less than TC show the repulsion of magnetic line of inductions as shown in figure. मैजनर इफेक्ट जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे ही आप टेम्परेचर को वापस इंक्रीज करेंगे वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वापस से स्पेयर में पास होना स्टार्ट हो जाएंगी
और जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, टीसी से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पुश आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि टी इक्वल टू और लेस देन टीसी पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पुश आउट होंगी, टी इज ग्रेटर देन टीसी पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पेनिट्रेट करेंगी। एज वी नो बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, तो ये हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से एक्सप्रेशन लिया है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शंस है बी किसके बराबर होता है, म्यू नॉट परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, एच क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, एच मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन क्या है, जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड रखने पे वो मैग्नेटाइज हो रहा है। हमने यहाँ से एच कॉमन लिया, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एच 1 प्लस m अपॉन h, और m अपॉन h को हम बोलते हैं जाई, जाई मतलब ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो जाई इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी यानी कि m अपॉन h। हम जानते हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट में लाइन ऑफ फोर्सेस यानी कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शंस है वो स्पेयर में पास आउट नहीं हो रही है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब इंडक्शन में पास आउट स्पेयर में पास आउट नहीं हो रही है, तो मतलब बी जीरो हो गया, तो हमने इस एक्सप्रेशन में बी की वैल्यू जीरो रखी। तो जैसे ही आप बी की वैल्यू जीरो रखेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो एम इक्वल टू माइनस एच हो गया, ठीक है। एम इक्वल टू माइनस एच हो गया या जाई इक्वल टू माइनस वन हो गया। एम इक्वल टू माइनस एच क्या शो कर रहा है, एम इक्वल टू माइनस एच ये शो कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इंटेंसिटी है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है। जाई इक्वल टू माइनस वन और जाई इक्वल टू म्यू आर माइनस वन एक एक्सप्रेशन होता है, म्यू आर है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मेटीरियल विथ फ्री स्पेस, तो म्यू आर हमने लिया म्यू आर माइनस वन, इसमें अगर हम जाई की वैल्यू रख रहे हैं ससेप्टिबिलिटी की, तो म्यू आर इक्वल टू जीरो, म्यू आर इक्वल टू जीरो और जाय इक्वल टू माइनस वन दोनों डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये होता है। तो इसका मतलब ये है जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, सुपर कंडक्टर एक्सिबिट परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म बिकॉज ऑफ डायमैग्नेटिक नेचर, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल स्ट्रांगली रिपेल्ड एक्सटर्नल मैग्नेट्स, इट लीड्स टू लेविटेशन इफेक्ट। अब लेविटेशन इफेक्ट क्या है, हमने कहा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया अप्लाइड किया स्पेयर में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक डेवलप हो रहा है, तो जो हम मैग्नेट उसके पास लाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेट वो उसको रिपेल करेगा। तो जब हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को हमने कूल किया बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इन मैग्नेटिक फील्ड और उसके पास हम कोई मैग्नेट लाएंगे तो वो उसको रिपेल करेगा, जब वो उसको रिपेल करेगा दोनों के बीच में अपोजिट फोर्स लगेगी, यही इफेक्ट को लेविटेशन इफेक्ट कहते हैं। और इस इफेक्ट को हम यूज करते हैं मेलवर्न ट्रेन में, तो जापान में जो मेलवर्न ट्रेन है जो लेविटेशन से मूव करती है, कि मैग्नेटिक पटरी होती है, ट्रैक होता है और उससे ऊपर की साइड ट्रेन मूव करती है। थैंक यू, कीप वॉचिंग और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना समझ में आया, और आगे फिर उसी अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।